बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी जी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, फलों के राजा का त्यौहार चल रहा है, आप यहाँ पर दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, हम सब लोगों को स्वागत करते हैं कि फलों के राजा का प्रोग्राम है जो हर साल होता है, निरंतर हम लोग करते हैं, आम महोत्सव करते हैं। आज तमाम देशों के जनप्रतिनिधि भी आए, हमारे यहाँ के भी माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय हमारे और हर समाज क्षेत्र के लोग आए जिन्होंने आम प्रदर्शनी को देखा। कि हम लोग इसके माध्यम से कहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आम उत्पादन को बढ़ावा मिले और किसानों की आय बढ़े, किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो। और मैंने महसूस किया है, पाया है कि पिछले कई सालों से जो हम लोग आम का ये महोत्सव करते हैं उसमें कई किसानों ने इससे प्रेरणा ली है और आम की खेती को बढ़ावा दिया। सर, ये जो आम की मिठास है, विपक्षी सांसद जो सदन में हंगामा कर रहे हैं उन तक भी पहुँचेगी? देखिए, हमारा काम है मिठास देना। माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सबको मिठास दो, कोई कड़वा भी बोले फिर भी आप उससे मीठा बोलो। तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को फॉलो करते हैं कि उनका नारा है कि सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबको मिठास दो। आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री ले लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री सबको मिठास देते हैं। और आम एक ऐसा फल है जो मीठा भी है, खुशबू भी देता है, तो इसके बहाने हम लोग मिठास भी भेज रहे हैं और खुशबू भी फैला रहे हैं। शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी यूपी के कानपुर से बीजेपी के सांसद रमेश अवस्थी से। फिलहाल के लिए इतना ही, मेरे सहयोगी सुभशेट के साथ दिल्ली से धन्यू 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।